हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूनियन एंड स्टेटरी जो कि एम लक्ष्मीकांत का फिफ्थ चैप्टर है उसका पार्ट वन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट टू वीडियो है, इसको पढ़ रहे हैं। इसमें अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड एल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। इसका मतलब होता है दोस्तों कि क्या पार्लियामेंट का पावर है कि अपना इंडिया का टेरिटरी फॉरेन कंट्री को दे सकता है, गिव अप कर सकता है। सीड मतलब क्या होता है दोस्तों, गिव अप कर सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सीड पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज़ बिरुवारी यूनियन, इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट सीड पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज़ बिरुवारी यूनियन टू पाकिस्तान लेड ए पोलिटिकल एजिटेशन एंड कंट्रोवर्सी। सेंट्रल गवर्नमेंट बिरुवारी यूनियन को पाकिस्तान को दे देती है तो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है आगे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट के पावर ये नहीं है कि इंडियन टेरिटरी दूसरे को फॉरेन कंट्री को दे दिया जाए। हिंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी के तहत अमेंड करके ही, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ही इंडियन टेरिटरी सीड किया जा सकता है फॉरेन स्टेट को। यानी कि अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट जैसा होता है वैसा सिंपल मेजोरिटी के तहत पास नहीं किया जा सकता है। अगर सीडिंग का जहां बात रहेगा, जहां पर देने की बात रहेगी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को, तो वहां पे अमेंडमेंट ज़रूरी होता है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि नौवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो कि 1960 में हुआ था, वाज इनेक्टेड टू सेड टेरिटरी टू पाकिस्तान। जो टेरिटरी बिरुवारी यूनियन दिया गया था उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1960 में हुआ था वो देने के लिए। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट इन 1969 रूल दैट सेटलमेंट ऑफ ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाउंड्री डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना है इंडिया और चाइना के बीच में दोस्तों, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव को पावर है कि वो सेटलमेंट कर सकता है, क्योंकि इट डज नॉट इन्वॉल्व सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री, क्योंकि इसमें किसी तरह का इंडियन टेरिटरी को देने का बात नहीं शामिल होता है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव का पावर होता है कि वो बाउंड्री सेटलमेंट कर सकता है डिस्प्यूट जहाँ पे होगा। दोस्तों जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कि जहाँ पे इंडिया का ट्रीटी देने की बात रहेगी फॉरेन कंट्री को, कुछ भी पार्ट रहे, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी है। तो इसीलिए बांग्लादेश को कुछ पार्ट देने के लिए और उससे कुछ लिया भी गया था इंडिया में, तो इसके लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2015 में। द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरी बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर टेरिटरी टू बांग्लादेश। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इसमें फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश प्रोविंस, जो ब्रिटिश प्रोविंस क्या था दोस्तों, जो कि अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश रूल था। प्रिंसली स्टेट क्या था, अंडर रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस। 3 ऑप्शन टू द प्रिंसली स्टेट वेयर गिवेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। 3 ऑप्शन प्रिंसली स्टेट को दिया गया। जो ब्रिटिश प्रोविंस था वो तो था ही, इंडिया का पार्ट, इंडियन का पार्ट ही था, और 1947 के बाद और जब आज़ादी हुई तो प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिया गया, चाहे आप इंडिया ज्वाइन कीजिए, चाहे पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए, या आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो टोटल आउट ऑफ 552 प्रिंसली स्टेट जो कि इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया में था, आउट ऑफ 552 प्रिंसली स्टेट सिचुएटेड इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, 549 ज्वाइन कर गया इंडिया को, 3
रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, तो तीन कौन कौन था, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। लेकिन लेटर ऑन बाद में हैदराबाद इंडिया में हो गया पुलिस एक्शन के तहत, जूनागढ़ हो गया रिफरेंडम के तहत, और कश्मीर हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखें। हैदराबाद किसके कारण हुआ, बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ हुआ रिफरेंडम से इंडिया में शामिल, और कश्मीर हुआ बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन चार तरह के स्टेट में बांट दिया गया कि चार तरह के स्टेट होगा। पार्ट ए में था दोस्तों कंप्राइज नाइन ईस्टविल गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पार्ट बी में था दोस्तों कंप्राइज नाइन ईस्टविल प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर। पार्ट सी में था कंसिस्ट ऑफ ईस्टविल चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ईस्टविल प्रिंसली स्टेट, इसमें दस राज था। और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पार्ट वन में था फॉर एग्जांपल असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस बाद में यूपी बना, वेस्ट बंगाल। पार्ट बी में था हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, ये सब। पार्ट सी में था अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोच बिहार जो प्रिंसली स्टेट, ये सब थे। आगे हम लोग देखेंगे कि देयर हैज़ बीन डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजन पार्टिकुलरली साउथ इंडिया फॉर रीऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। बहुत सा स्टेट से डिमांड था दोस्तों, बहुत सा पार्ट से, कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनना चाहिए। तो इसी को लेकर बाद में कमीशन बना जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़े और याद रखिए, बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं जो कमीशन बनी, जो कमिटी बनी लिंग्विस्टिक स्टेट के ऊपर, तो देखते हैं धार कमीशन एंड JVVP कमिटी। आगे हम लोग पढ़ते हैं धार कमीशन। ऑन जून 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसके धर। 1948 में एक कमेटी बनाया जाता है एसके धर के नेतृत्व में। जून 1948 में एक कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, दिसंबर 1948 में, जून में बनाई जाती है और दिसंबर में रिपोर्ट तैयार किया जा करके सबमिट कर दिया जाता है। और ये रिकमेंड करती है, इट रिकमेंड द रीऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, ये रिकमेंड किया धार कमेटी, ये रिकमेंड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अनुसार स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, न कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो अगला कमेटी क्या है दोस्तों, अगला कमेटी है JVVP कमेटी। JVVP नाम ही पड़ा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पदवी सीतारामैया के नाम पे, वही तीनों के कमेटी को JVVP कमेटी कहा गया। नोन एज JVVP कमीशन अपॉइंटेड ऑन दिसंबर 1948 को एक कमेटी अपॉइंट किया गया और सबमिट रिपोर्ट कर दिया अप्रैल 1949 को। इतना जल्दी अगर अब रिपोर्ट किसी कमेटी के द्वारा सबमिट किया जाएगा तो माना जाएगा कि अच्छा काम कर रहा है। सोचिए दोस्तों, इंडिपेंडेंस के समय कितना अच्छा से काम हो रहा था और जल्दी जल्दी कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट कर रही थी। इट JVVP कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट इन 1949 एंड फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज ए बेसिस फॉर रिऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट। धार कमेटी भी रिजेक्ट कर दी कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, और JVVP कमेटी भी रिजेक्ट कर दी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र प्रदेश ऑन अक्टूबर 1953 बाई सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास स्टेट। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस पे जबकि कमेटी नहीं बोली तो भी आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन करना पड़ा 1953 में, क्योंकि एक गांधियन नेचर के थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। इनका वो लगातार 56 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पर रहे और उनका डेथ हो गया, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर बना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंध्र प्रदेश क्रिएट करना पड़ा लैंग्वेज के बेसिस पे। अगला कमेटी बना दोस्तों, पहला कमेटी क्या था, धार कमेटी, दूसरा JVVP कमेटी और तीसरा कमेटी बना फजल
अली कमीशन। आगे हम लोग देखेंगे फजल अली कमीशन क्या। फजल अली कमीशन अपॉइंट हुआ दोस्तों 1953 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली। 3 मेंबर थे दोस्तों, चेयरमैन थे फजल अली और अदर 2 मेंबर कौन थे, के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू। अदर 2 मेंबर कौन थे, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन सितंबर 1955 एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज ए बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट इट रिजेक्टेड द थियोरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ये रिजेक्ट कर दिया थ्योरी कि एक लैंग्वेज पे एक स्टेट नहीं बनेगा, लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया जाजाएगा। इट आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर दैट कैन बी टेकन इन टू अकाउंट इन एनी स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये 4 फैक्टर दिए कि इसके आधार पे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन होगा। फर्स्ट पहला क्या था, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सेकंड था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। थर्ड था फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। एंड फोर्थ था दोस्तों प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज ए होल। 4 फैक्टर था इसके आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। ए फजल अली कमीशन ने कहा, इन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये माना कि लैंग्वेज के बेसिस पे भाषा के आधार पे स्टेट क्रिएशन किया जा सकता है। इसमें 4 फैक्टर हम लोग ज़रूर से याद रखें दोस्तों। इट सजेस्टेड एवोल्यूशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, जो कि ए बी सी डी टाइप का स्टेट बना था दोस्तों 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको एवोल्यूशन के लिए सजेस्ट किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस रिकमेंडेशन विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट भी कर लेती है फजल अली कमीशन का रिकमेंडेशन, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये दोनों के तहत दोस्तों 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी वेयर क्रिएटेड ऑन नवंबर 1956 को। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 3 होगा। थैंक यू दोस्तों।